आज हम देखेंगे कि याहू के स्मॉल बिजनेस पे हमको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गूगल पर mail.yahoo.smallbusiness.com ये सर्च करना होगा। सर्च करते ही जो पहली लिंक आएगी इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो यूज़र नेम प्रोवाइड किया गया है वो आपको दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर jitendra@saicollege.in इनको एक्टिव करना है। ये जो ईमेल आईडी है इसको एक्टिव करना है। तो इसके लिए इनका जो एक ओटीपी मिला होगा वन टाइम पासवर्ड, उसकी वैलिडिटी भी रहती है। तो आपको इनका जो ओटीपी है वो ये है, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स पे ध्यान रखना है। पासवर्ड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो जहाँ कैपिटल लिखा है वहाँ पे कैपिटल ही लिखना है, जहाँ स्मॉल लेटर्स लिखे हैं वहाँ स्मॉल लेटर्स लिखना है। मैं पासवर्ड यहाँ पर देने के बाद मुझे यहाँ क्लिक करना होगा। वेरीफाई होने के बाद जब हम साइन इन करेंगे तो फर्स्ट टाइम पर वो न्यू पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। फर्स्ट टाइम पर जब न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको पासवर्ड जो है कुछ इस तरीके से रखना है। वो कम से कम मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल और एक न्यूमेरिक सिंबल्स वहाँ होने चाहिए। क्लियर। तो फिलहाल मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने एक सैम्पल के लिए पासवर्ड ये क्रिएट किया है। इसमें आपको ध्यान देना है पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए या मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर्स, मैंने यहाँ पर जैसे जे को कैपिटल कर दिया है, कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल सिंबल और कम से कम एक डिजिट होना चाहिए पासवर्ड में। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। इस पासवर्ड को मैं यहाँ पर नया पासवर्ड जो है उससे पेस्ट कर देता हूँ और उसी पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा हमको पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंफर्म पासवर्ड में पेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर टाइप करना होगा। पॉलिसी को अप्लाई करने एग्री करने के बाद आप कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे हेलो तो ये पासवर्ड वाज सक्सेसफुली चेंज ऐसा मैसेज देगा और आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। फिर आप दोबारा यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दीजिए। ईमेल आईडी में आपको यहाँ पर ध्यान देना है saicollege.in ऐसा देना होगा, पासवर्ड जो आपने सेट किया था, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना। तो ये आपका जो वन टाइम पासवर्ड था उसके बदले परमानेंट पासवर्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा। और उसके बाद साइन इन पर क्लिक करने के बाद ये आपका मेल बॉक्स ओपन कर देगा। यहाँ पर आपको ऐप का पासवर्ड सेटअप करने बोलेगा, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद ये आपका मेल बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। इसको आप एग्री करके मेल बॉक्स पर जा सकते हैं। मेल बॉक्स ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका ईमेल आईडी है वो इस नाम से आपका बनेगा, जितेंद्र या जो भी आप नाम दिए हैं @saicollege.in। और सेम ये याहू का इंटरफेस है, आप इसमें वैसे ही कंपोज करके किसी दूसरे को मेल कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर इन पर कुछ सब्जेक्ट ये लिख करके मैंने सेंड कर दिया। सेम जो नॉर्मल मेल बॉक्स होते हैं जैसे सेंड आइटम में आप जाएंगे तो यहाँ पर सेंड मिलेगा और ये आपका ईमेल आईडी जो है उस नाम से क्रिएट हो गया है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसको एक्टिव करना होता है 24 घंटे के अंदर। जो आपका वन टाइम पासवर्ड मिला है 24 घंटे के अंदर आपको उसको एक्टिव करना होगा। थैंक यू।